अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हामिद अब्बासी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बनू उमैया के ख़त्म होने के बाद 132 हिजरी में खिलाफत बनू अब्बास क्याम अमल में आई, जो कि तकरीबन 5 सदियों तक कायम रही। उन दिनों बगदाद इल्म व हिकमत का गढ़ समझा जाता था और दुनिया की ताकतवर हुकूमतों में भी इसका शुमार होता था, जिसको हारून रशीद और मामून रशीद जैसे खुलफा ने कुव्वत व हशमत की बुलंदियों पर पहुँचा दिया था। लेकिन फितरत के ससूल हर कमाल को जवाल है के मुताबिक खिलाफत अब्बासिया के 8वें खलीफा अल-मुतसिम बिल्लाह के बाद अब्बासियों ने महज हवस इक्तदार को अपना मतमय नज़र बनाया तो हराकू खान के हाथों इसका भी खात्मा हो गया। आज का हमारा मौजू खिलाफत उस्मानिया है, जिसने इसराक से जन्म लिया। हम इसी पर महदूद रहते हुए इससे सरफ़ नज़र करेंगे। जब बिला किसी तफरीक जिन्स के जब मुसलमानों का खून बगदाद की गलियों में बह रहा था और तातारियों ने मुसलमानों पर जिंदगी हराम कर दी थी, 11 सदी ईस्वी में अनातोलिया को मुकम्मल हासिल करने के लिए सलजोकियों और रोमियों में जंगें होती रहती थीं, लेकिन बुनियादी तौर पर यह इलाका बेजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा था। रोमी सल्तनत ने तुर्कों को रोकने के लिए अपनी सरहद के साथ किलों की तवील कतार बना रखी थी, जो सरहदी चौकियों का काम करती थी। लेकिन हालात इतने कशीदा हो चुके थे कि किले भी हमलों को संभालने में नाकाम हो रहे थे। चुनांचे रोमी शहनशाह रोमानोस ने एक बड़ी फ़ौज जमा की, जिसकी तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा थी। जिस वक्त रोमानोस तुर्कों के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा था, उस वक्त सलजोकी सुल्तान अलप अरसलान मिस्र में फातमी खिलाफत से उलझा हुआ था। फातमी खिलाफत के कंट्रोल में बैतुल मुकद्दस और शाम के साहली इलाके आते थे। अलप अरसलान एक वक्त में 2 महाजों पर नहीं लड़ सकता था, चुनांचे इसने बाज़ंतीन के शहनशाह को पैगाम भेजा कि तुर्क फ़ौज इसके इलाके में हमले नहीं करेगी और बदले में बाज़ंतीनी भी इसके इलाके में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। रूमी शहनशाह ने यह मुहिदा ना किया और सरहदी इलाके की तरफ पेशकदमी की। 1071 में रूमी शहनशाह अपनी फ़ौज के साथ अनातोलिया के मुकाम लाजगरत में पहुंच चुका था। अलप अरसलान ने तो अफवाह फैली कि रूमी शहनशाह मर गया है। फ़ौज कुछ देर गैर मुनज़्ज़म होकर लड़ने के बाद पसपा हो गई। रूमी 24 घंटे में ये जंग हार चुके थे। काम सलजुकी सिपाही एक रूमी सिपाही को लाकर अलप अरसलान के कदमों पे ला फेंका। अलप अरसलान ने सिपाही से पूछा कि ये कौन है, तो सिपाही ने जवाब दिया कि ये रूमी शहनशाह रोमानोस है। अलप अरसलान ने रूमी शहनशाह की गर्दन पे पांव रखते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हारे पास ऐसे ही लाया जाता तो तुम क्या करते? रोमानोस ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कत्ल कर देता या जंजीरों में बांध कर पूरे कुस्तुनतुनिया के चक्कर लगवाता। अलप अरसलान ने जवाब दिया कि मेरा इंतकाम इससे भी भयानक होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अलप अरसलान ने रोमानोस के साथ एक मुआहदा किया, जिसके तहत अनातोलिया के इलाके 15 लाख सोने के सिक्के, सालाना खराज और अपनी बेटी की शादी शहनशाह के बेटे के साथ करने का वादा कर दिया। अलप अरसलान ने शहनशाह के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, उसे एक मेहमान की हैसियत थी और फिर उसे आज़ाद कर दिया। अभी शहनशाह अपने मुल्क पहुंचा भी नहीं था कि उसके सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसको जिंदान में डाल दिया क्योंकि उसके खिलाफ बगावत हो चुकी थी। उसको जिंदान में तरह तरह के तशद्दुद का शिकार किया, उसकी आंखें निकाल ली गई और वो वहाँ सिसक सिसक के मर गया। इन्हीं इलाकों में वो खाना बदोश कबीला भी था जो कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद बना। ये कौन थे, कहाँ थे, कोई नहीं जानता, क्योंकि इनके बारे में जो कुछ भी लिखा गया 100 साल बाद लिखा गया। चंगेज़ खान को उम्दा और नफीस लिबास पहनने का बहुत शौक़ था और इन इलाकों में आला किस्म का कपड़ा पाया जाता था। चंगेज़ खान ने ताजरों का एक वफ़ ख्वारज़म शाह की तरफ भेजा। ख्वारज़म शाह ने जासूस समझ के कत्ल करवा दिया। चंगेज़ खान को बहुत गुस्सा आया, उसने एक आदमी भेजा तहकीक़ात के लिए। ख्वारज़म शाह ने इसको भी कत्ल करवा दिया। फिर चंगेज़ खान के गैज़ो गज़ब का यह आलम था कि उसने चीन से लेकर बगदाद तक तबाही मचा दी। मंगोलों ने चीन से बगदाद तक खून की नदियां बहा दी और वो अनातोलिया तक जा पहुंचे। हमलों से तुर्क कबाइल ने हिजरत शुरू कर दी, कुछ ईरान, शाम और कुछ सलजोकियों से आ मिले। उन्हीं में काई कबीला भी था, जिसके सरदार सुलेमान शाह थे। तोकान की पहाड़ियों से अनातोलिया तक और अनातोलिया में सैकड़ों फतूहात की यह अज़ीम शान दास्तान है और इसके सरदार सुलेमान शाह एक नहायत
इंकिसार, आजिज, बहादुर और अल्लाह के इंसाफ पर हमेशा कायम रहने वाले इंसान थे। अपनी पूरी ज़िंदगी जालिम के ख़िलाफ़ जिहाद किया और जंग में न कभी नफ्स को गालिब आने दिया और न कभी दुश्मन को। कई कबीला ओस कबीले की एक शाख था और इसके सरदार सुलेमान शाह के चार बेटे थे, जिनमें संगुरतगीन, गुंदोदो, अर्तुगरुल और दुंदार शामिल हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये पहले खुरासान में आबाद थे, फिर अनातोलिया रवाना हुए और वहाँ से मुसलसल हिजरत करते रहे। हलब में भी इन्होंने क़याम किया। इस दौरान ये बहुत से मार्कों पर फतेयाब हुए और सलजोकी शहनशाह के शाना बशाना कई जंगें लड़ी। हलब से हिजरत के दौरान सुलेमान शाह दरिया फिरात में डूबकर फौत हो गए। आपको वहीं हलब में दफन कर दिया गया। सुलेमान शाह के मज़ार को दो दफ़ा मुंतकिल भी किया गया। इसके पीछे की वजूहत ये थी कि पहले ये मज़ार शाम के शहर हलब में वाक़िया था और इस मज़ार की हिफाजत 40 तुर्क फौजी करते थे, क्योंकि ये इलाका कानूनी तौर पर तुर्क फौज के अंडर कंट्रोल था। लेकिन जब शाम में सिविल वार शुरू हो गई तो जंगजुओं ने इस मज़ार को तबाह करने की धमकी दे दी। तुर्क वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर 21 से 22 फरवरी 2015 को 600 तुर्क फौजियों ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों में मज़ार को तबाह कर दिया, ताकि इमारत को जंगजू इस्तेमाल ना कर सकें और सुलेमान शाह के जस्ते खाकी को शाम के इलाके से तुर्की के इलाके में ले आए। अब ये मज़ार आर्जी तौर पर तुर्की के ज़ेर कंट्रोल इलाके शाम में 200 मीटर, यानी अरब के मगरब में 200 किलोमीटर और फिरात के मशरक में 5 किलोमीटर वाक़िया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको अर्तगरुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी की लाजवाल जद्दोजहद के मुतालिक बताऊँगा कि कैसे उन्होंने एक रियासत की बुनियाद रखी।